हुए हैं उन सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादा आता नहीं हूँ क्लासेस में ना कभी मैं फ्रंट पे नहीं रहा मैं हमेशा बैक एंड में रहा हूँ चाहे आप ध्यान यज्ञ बोल दीजिए चाहे आप एम uh, के बोल दीजिए मैं हर जगह जो है वो बैक स्टेज में रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ लेकिन uh, एक अंदर से आवाज आई थी जब अमूल्या ने पूछा कि डिजिटल जो है छत्तीसगढ़ ध्यान में आपका नॉमिनेशन देना है तो मेरे अंदर से एक आई आवाज की यार हमेशा बैक एंड में रहते हैं एक बार चल फ्रंट एंड में चल के देखते हैं क्या होता है गुड गुड तो उसी के साथ मैं आया हूं सर थैंक यू सो मच नीता आंटी इनविटेशन के लिए uh, नमन बिफोर यू स्टार्ट आप ना जब okay. वो जो ईयर ये जो आपका ईयरफोन का अगर आप उसको पास में रख रहे हो तो ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है अच्छा ठीक है मैं ऐसे मेरी आवाज ऑडिबल है हाँ बहुत हाँ। अच्छी आ रही है परफेक्ट परफेक्ट ठीक है मैं ऐसे बात करता हूँ तो मेरी जो जर्नी रही है ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद वो थोड़ी सी कहूँगा एबनॉर्मल रही है इन को तो आप हर हर दिन ये चीज नहीं सुनेंगे <laughs> क्योंकि सिक्स सेवेंथ क्लास तक जब मैं था तो मेरे कभी भी फोर्टी फाइव परसेंट से ऊपर परसेंटेज नहीं आया और टेंथ में मैं ले दे के पास हुआ हूँ इलेवेंथ मैंने टॉप किया है और ट्वेल्थ के बाद मैं बिट्स पिलानी में मेरी ग्रेजुएशन huh? हुई माय गॉड क्या ट्रांसफॉर्मेशन <laughs> तो विद इन वन ईयर एंड टू ईयर के बीच में ही मेरा पूरा जो पढ़ाई करने का तरीका पूरा एक्सपीरियंस इस लेकिन मैं उस समय ध्यान में नहीं आया था तो मेरा जो मेन एक्सपीरियंस रहे थे वो था कि कैसे मैं अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ कैसे मैं अपना जो मैं समय जहाँ पे दे रहा हूँ वो मैं कैसे दे रहा हूँ और ऐसी कई चीज़ें थी मैं किसके साथ घूम रहा हूँ किससे मेरी दोस्ती है मेरा क्या मेरे इंटरेस्ट हैं और धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं पीछे मुड़ के अभी देखूँ तो धीरे धीरे मैंने एक एक करके चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में लेकिन उस समय जो था कि फोर्टी फोर्टी का बच्चा जिसको लास्ट डे पे पेरेंट्स स्कूल जाते थे कि मैडम चलो ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दो पांच <laughs> साल में वही बच्चा अपनी क्लास का टॉपर बन गया वही बच्चा एक इंडिया के वेल नोन कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट बना है और इवेंचुअली uh, जो था वो धीरे धीरे लाइफ इंप्रूव होती चली गई अभी करंटली मेरी जो लास्ट जॉब थी मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को पॉलिसी एडवाइजरी में था तो मैं जो था वन ऑफ़ द सीनियर पॉलिसी एडवाइजर्स था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए न्यूट्रिशन में और अभी करेंटली मेरी जो जॉब है वो बैंगलोर में है और आप में से मेरे को पता नहीं कितनों को पता है योर स्टोरी एजुकेशन के बारे में योर स्टोरी एक मीडिया हाउस है जिसमें हर महीने एक करोड़ लोग न्यूज़ पढ़ते हैं मतलब व्यूअर्स हैं हमारे योर uh, स्टोरी में और रतन टाटा और इन सब का इसमें फंडिंग गया हुआ है तो मैं उसमें बिजनेस का जो उनका बिजनेस है योर स्टोरी का उसका हेड हूँ तो ऑल इन ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी लाइफ थोड़ी सी सही ए, हो गई थी एवेंचुअली तो आज मैं उसका एक जो मेजर एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा uh, ध्यान ने कैसे मेरे को बदला क्योंकि ध्यान से पहले मैं एकदम कहते ना कि एक बार एकदम से अगर किसी को सब कुछ दे दो तो जीवन में तो उसके अंदर एरोगेंस आ जाता है उसको लगता है कि हाँ जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है जो उसकी रीच में नहीं है वो एरोगेंस मेरे अंदर आ गया था तो कैसे वो ध्यान की वजह से मेरा गुस्सा मेरा एरोगेंस वो कम हुआ और कैसे पत्री सर के जो फर्स्ट मीटिंग था उसके बाद से जो मेरा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ क्योंकि उसी के पत्री सर से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था उसी के दो साल बाद मेरा मेरी मैरिज हो गई लेखिया से और धीरे धीरे मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने लगा जितना भी जो मेरी आज फैमिली है सोल फैमिली है उन सब के साथ मैं एनर्जेटिकली कैसे उनके बराबर हो गया और धीरे धीरे कैसे मैंने ध्यान सीखने के बाद ध्यान सिखाना शुरू कर दिया तो आज का जितना हमारा ये साथ है एक दो घंटे का वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग आ, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे क्योंकि वो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मैंने ना किसी से सुना है ना किसी को वो किया तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आप सबके साथ वही शेयर करूंगा और अगर किसी को कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली हम लोग फिर उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और तो मैं शुरू करता हूँ कि पत्री सर से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था मेरे को वो दिन एकदम याद है तो मैं पहले उसी से श्री गणेश करता हूँ आज की टॉक का तो <laughs> पत्री सर से जब मैं मिला था वो था सोलह 16 अक्टूबर दो में तो हुआ क्या था कि आईआईटी कानपुर वालों का जो एलुमना बेस है उनका एक इवेंट था तो मेरे कई फ्रेंड्स थे तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था तो वहाँ पे पत्री सर फर्स्ट टाइम आए थे तो जैसे पत्री सर आए थे तो उस समय बहुत यंग थे तो वो स्टेज के ऊपर एकदम चढ़ना एकदम अपना झूलना घुमाना तो मेरे को लगा ये म्यूजिशियन है जो आज शो लेने आए हैं क्योंकि <laughs> क्योंकि उनका ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ कुछ नहीं वो आए अपना फ्लूट निकाला एक्सप्लेन किया उन्होंने कैसे अपना म्यूजिक हमारी लाइफ चेंज कर सकता है कैसे ध्यान हमारा तो मेरे को लगा एक म्यूजिशियन है जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और वो हम सबको आज म्यूजिकल uh, कॉन्सर्ट करेंगे यहाँ पे तो पूरा सुना फिर उसके मैं जिनके साथ गया था तो उन वो नलिनी कमल है दिल्ली में तो उन्होंने मेरे को पत्री सर के पास ले गए सर के पास बैठाया और जैसे ही उन्होंने मुझे बैठाया पत्री सर ने दस मिनट मेरे को मेरी आंखों में देखा और तीन चीज बोले पहला बोला कि यू आर लिविंग रॉन्ग दूसरा बोला यू आर ईटिंग रॉन्ग तीसरा बोला यू आर रीडिंग रॉन्ग और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उस समय मैं यूएस से जस्ट आया था और मैं एकदम 24- 25 साल का लड़का एकदम यूएस रिटर्न बैंक अकाउंट में कोई कमी नहीं है दोस्तों में कमी नहीं है सोसाइटी में बिट्स पिलानी यूएस रिटर्न वाला टैग लगा हुआ है तो सोसाइटी में भी बहुत है कि बच्चा इतना यंग होते हुए भी इतना एक्सपीरियंसेस कर रहा है तो अगर मैं प्रापंचिकता की तरफ से सोचू तो कोई कमी नहीं थी मेरी लाइफ में उस समय और जैसे उन्होंने मेरी आंख में डाल के ये बोला कि यू आर लिविंग रॉन्ग यूर रीटिंग रॉन्ग योर रीडिंग रॉन्ग तो वो एक तरह से झटका लगा मुझे क्योंकि एक तो मेरे को वो आदत नहीं थी सुनने की कि मैं, मैं, मैं कुछ गलत कर सकता हूँ और जैसे ही उन्होंने मुझे डांपर और उसके बाद उन्होंने मुझे 20 मिनट तक डांटते रहे और डांटा इतनी तेज की जितने लोग आसपास थे वो सब इधर उधर भागने लग गए कहीं 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 कोई 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 कहीं चला गया कोई कहीं चला गया और जो आंटी मेरे साथ आई थी वो तो एकदम पहले तो बहुत प्राउड हो रही थी कि हाँ ये बेटा देखो हमारा ऐसे लेकिन जैसे ही सर ने भीड़ में डांटना शुरू किया तो उन्होंने भी पहचानना बंद कर दिया मुझे वो भी निकल गए कहीं तो और किस्मत और यही चीज इतना डांटा और मैं इतना शौक हो गया उसके बाद क्योंकि एक तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे को ऐसा कोई डांट भी सकता है उस टाइम पे अभी जब पीछे मुड़ के देखो तो ऑब्वियस समझ में आ जाता है स्पिरिचुअल रीजन था बहुत रीजन है लेकिन उस समय गोइंग फॉरवर्ड मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्यों किया ऐसा जबकि मैं मेहनती हूँ मैं डिसिप्लिन हूँ अपना काम कर रहा था लेकिन फिर जैसे जैसे ये दो साल की मेरी जर्नी रही है ध्यान की वो एक तो ये था कि सबसे पहला मेरे को रीडिंग का जो था वो मेरी रीडिंग की बुक्स जितनी भी थी वो मैनेजमेंट बिजनेस है ना अब मेरा फायदा कैसा हो बाकी दुनिया को छोड़ो उस टाइप की बुक्स ज्यादा थी तो जैसे जैसे मैं स्वाध्याय में आता चला गया और अलेखा से भी मैं उसी बीच मिला था अक्टूबर में उसी दिन जिस दिन सर से डांट पड़ी थी तो अलेखा से भी बात होनी शुरू हो गई थी उससे भी ये इतना कोई बात हुई नहीं दो साल में लेकिन एक दो बार भी यही बात हुई थी कि बुक्स के बारे में बात हुई थी तो ये तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किताबें गलत हैं सब तो धीरे धीरे मैंने रामदास धीरे धीरे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये सारी किताबों को छूना शुरू किया और ऐसा स्टेज था कि अभी भी कई ऐसी किताबें हैं जो मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा लेकिन जो मेरी रुचि बन गई है जैसे आपने यू फॉर एवर का हिंदी ट्रांसलेशन किया था तो उसकी जो वीडियो बनाया था तो वो तो मैं ऐसे ऐसे करके अपना स्वाध्याय तो बढ़ा रहा लेकिन वो जो दो साल का जो गैप था उसमें मेरे को ये समझ में आ गया कि जो मैं मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रहा था और मैनेजमेंट की बुक्स से जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है कि स्पिरिचुअल बुक्स से जो मैनेजमेंट भी सिखाती है आपको जैसे भगवत गीता ले लीजिए आप यू फॉर एवर ले लीजिए ये सारी किताबों के अंदर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट का भी ज्ञान भरा हुआ है लेकिन उस समय जो लिमिटेड माइंडसेट था मेरा वो एक मेरा चेंज हुआ 2016 में उसके बाद आया खाना खाने में मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल भी ऑल दो मेरी पूरी फैमिली प्योर वेज बचपन से पंडित फैमिली जनरेशन्स हमारी जो है वो जो हमारे कुल देवता हैं उनके जो मंदिर में पंडित होते हैं वो हमारी फैमिली से जाते थे लेकिन मेरा जो खाने का तरीका था क्योंकि मैं नई सोच का था दोस्तों के साथ घूमता था तो टोटली तो रॉन्ग ईटिंग था और सर के सामने तो आप बैठ जाओ ऐसा तो वो तो देख के ऐसा धोते हैं कि और मेरे को तो पता नहीं था और मेरे को ये भी समझ नहीं आया उनका तो समझ में आ गया खाना रॉन्ग है पता है मेरे को क्या क्या इंप्रूव करना है खाने में तो जिस दिन सर ने मेरे को डांटा उसी दिन से मेरा खाना इम्प्रूव हो गया था मैंने उसके बाद ना कभी एग छुआ ना कभी नॉन वेज छुआ ना कुछ उसी दिन से मेरा प्योर वेज हो गया मैं जो एक पास्ट लाइफ मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा कि मेरे योगी पास लाइफ बहुत रहे हैं कि हिमालय में जाओ अपना ध्यान करो तपस्या करो वो अभी भी वो वो जो मेरे अंदर है वो है यही कि मैं अपने घर से दो बार हिमालय की तरफ भाग चुका हूँ बहाना बना के तो वो लाइफ तो था मेरे अंदर लेकिन जैसे आप अगर आप देखेंगे अघोरी हो गए ये सब इन सब का जो लाइफ है वो मेरा लाइफ हो गया था दो साल के बीच में तो एक तो मेरा खाना उसी दिन से सुधर गया था क्योंकि खाना मेरा सुधर गया तब जाके मेरे दोस्त भी जैसे सेंसे इंडिया के जो ग्रुप है उसमें मेरे दोस्त बनने शुरू हो गए और मेरे को यह समझ में आ गया कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट जो मेरी क्वालिटी ऑफ है जो मेरी सोच है वो उस सोच में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया था पहले जो मैं सोचता था कि यार एक नेचुरल सोच होती है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव होते हो बाय नेचर तो आपको होता है कि यार आप जीतोगे आपको जीतना ही है कुछ भी करके लेकिन अगर आप जीतोगे तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा

किसी की मदद भी करनी है चाहे कोई भी हो किसी भी तबके का इंसान हो मैं चुपचाप बैठूंगा अपना सर झुकाऊंगा और उसकी मदद कर दूंगा अगर मेरे को कोई काम बोला जाएगा चुपचाप सर झुकाऊंगा काम कर दूंगा पहले ऐसा नहीं था पहले था कि मीटिंग हो गई मीटिंग के बाद मेरे को पांच मिनट चाहिए ताकि मैं फ्रेश अपनी सांस लेके पानी पी सकूँ फिर ही उसके बाद ही मैं दूसरा तो बहुत नखरे थे वो सारे नखरे भी सर जैसे जैसे मेरा खाना चेंज हुआ वैसे जैसे मेरा हैबिट जो है मेरी सोच है वो चेंज हो गई मेरे अंदर मानेंगे नहीं मेरे अंदर करुणा आ गई वेजिटेरियन uh, जब मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया क्योंकि बचपन से था ही मैं वो था कि दो साल जो बच्चे कांस तो तो, था, experience, experience था कि जिसकी वजह से मेरे को रियल मतलब पता चल गया कि एनिमल्स को हमें क्यों बचाना है और अगर आप अब जो कनेक्शन उनसे बन गया वो धीरे धीरे कनेक्शन ऐसा हो गया कि आप वो चीज फील कर पाते हो अपने पास अगर अब जैसे हमारे घर में क्या कबूतर बहुत आते जाते हैं तो कबूतर कहीं पे कुछ अपना लड़ेंगे हल्ला मचाएंगे कोई आलू कुछ खा जाएगा कोई लेकिन सब चल जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर कोई मौका मिलेगा तो आप भी वही चीज करोगे अपने से अपने ही घर पे घूम रहे हो तो आपको इतना ध्यान देते नहीं हो तो वेजिटेरियन फूड की वजह से मेरे दिमाग मेरे मन में जो था वो करुणा मेरे अंदर वो डेवलप हो गई धीरे धीरे उसके बाद जो आता है लिविंग मेरी रॉन्ग थी जो सर ने जो सर ने बोला था कि लिविंग तुम्हारी रॉन्ग है वो लिविंग का क्या था मैम जो जो एक मेरी हैबिट हो गई थी वो हैबिट क्या थी कि एक तो बहुत केयरलेसनेस आ जाती है अगर आपको पता है कि आप एक जगह पे अच्छे हो और पूरी दुनिया आपकी जो आपका जो समाज है आपको उसी चीज में बहुत अव्वल मानता है कि मेरे मेरे केस में था कि मेरे को अगर किसी की हेल्प किसी को मेरे से कोई हेल्प चाहिए किसी को कोई आइडिया चाहिए किसी को uh, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो मेरे पास वो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैं वो कर पाता हूँ अच्छे से तो बाकी चीज़ों में क्या था मैं बिल्कुल ढीला पड़ गया था तो अगर मेरे मतलब का काम नहीं है तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ अगर मेरे को किसी की मदद करने से मुझे फायदा नहीं हो रहा तो मेरा मन ही नहीं लगेगा उस चीज में पहले मेरा ऐसा था मतलब ध्यान से आने से पहले और जैसे ही मैं ध्यान में आया जैसे इनफैक्ट पत्री सर से जब मैंने डांट खाई वो सब वो मेन जो टाइम था जहां मैंने देखा कि सर अपनी एज अपना रुतबा और यो सब के बावजूद भी सर हर किसी से हाथ मिला रहे हैं हर किसी से हंस रहे हैं बात कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने इवेंट के टाइम पे देखा वो तो फ्लूट के उसमें था और उस समय मुझे पता नहीं था कि ये एक स्परिचुअल गाइड है मेरे को लगा ये सिंपल आपके मेरे जैसा इंसान है जो बस फ्लूट बजा के लोगों को ध्यान कराते हैं तो और मैंने मैंने भी भी वही सोचा कि यार मैंने भी उनको वैसे ही परसीव किया लेकिन जैसे जैसे शाम को हम लोग मिले शाम को फिर दूसरा आप बहुत हंसेंगे इसमें हुआ क्या था कि पहली बार जब मैंने सर से डांट खाई बीस मिनट तक तो सब लोग मैं दूर दूर भागने लग गए थे तो उसके बाद किसी ने मुझसे बात नहीं करी लेकिन आंटी ने जो, नलीनी जो मेरे को नलिनी कमल जी हैं जो मेरे को लेकर गई थी सर के पास उन्होंने बोला कि चलो मेरी फ्रेंड के यहाँ पे बर्थडे है तेरा बहुत लंबा दिन हो गया है तू थोड़ा चल पार्टी में आराम से डिनर करते हैं फैमिली के साथ और केक वेक खा लेना और फिर तू घर चले जाना अपना आराम से मैंने बोला ठीक है तो इक्तफाक की बात क्या थी कि वो आशा गुप्ता आंटी के घर पे ले गई मुझे <laughs> और हुआ क्या कि आशा गुप्ता आंटी के वहां पे जब ले गई वहीं पे उस दिन शाम को सर भी आ गए <laughs> और मैं पहले ही, मैं पहले ही उनसे डरा हुआ था और उस समय तो बड़ा हॉल था कि ऑडिटोरियम था तो मैं कहीं भी भाग सकता था ये जो घर था पहले इतने लोग आए थे घर में चार ही कमरे <laughs> आप जिस कमरे में जाओ आपको सर बस आवाज लगाएंगे आपको उनके पास जाना है तो ना मैं छुप पा रहा था उन सर से ना क्योंकि मेरे अंदर एक भय बैठ गया था कि यार जो चीजें आज पहली बात तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में दूसरी बार हुआ पहली बार जो हुआ वो हिमालय में हुआ था दूसरी बार मेरे को सर के यहाँ पे हुआ कि किसी ने मेरी आंख में देख के ये बता दिया कि भाई तेरे अंदर ये ये कमी है तो <laughs> मैंने कहा इसने इतना बता दिया जब इसको टाइम मिलेगा और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो ये क्या-क्या नहीं बता दे तो तो सो तो घबराहट ये होगी अब मैं बैठ भी रहा हूं तो सर से आंख नहीं मिला रहा हूं कभी नीचे देख रहा हूँ कभी ऊपर देख रहा हूँ कभी बहाने से इधर उधर आपने बुलाया क्या मुझे बोल के <laughs> <निकल। laughs> तो ये चीज नोटिस करी कि सर बैठे हुए हैं वहां पे जिसको डांट रहा है, उसको डांट रहे हैं जिसको प्यार देना है उसको प्यार देना है जिसको सीरियसली बात पूछनी है उनसे वो सीरियस होकर बात भी पूछ रहे तो मेरे अंदर जो ईगो था जो एक तो मेरे को भय होने की आदत नहीं थी मेरे अंदर डर बैठने की आदत नहीं थी क्योंकि एक बार जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपको एक, एक एक ये तो रहता है कि हाँ यार एक बार ट्राई करके देखता हूँ लेकिन मैं अंदर से इसलिए झिझक गया क्योंकि सर के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे को उनसे आंख मिलाने में डर लग रहा था जबकि उनसे मैं पहली बार मिला था और मैंने कोई ऐसा गलती टेक्निकली कोई गलती की नहीं थी कि मैं या तो मैंने कुछ किया होता जिसकी वजह से मेरे को अंदर से शर्मिंदगी होती कि यार हाँ मैंने ये किया है उनसे बस आंख मिलाई और उन्होंने ऐसा अंदर से गिल्ड ले है कि वो गिल्ट की वजह से जो था वो मेरी लाइफ चेंज हो गई और यही तीन चीज थी जो मैंने अगले दो साल में अपने अंदर इम्प्रूव करी है कि और आप विश्वास नहीं करेंगे अभी लखनऊ रिसेंट अभी ये पैंडमिक से पहले लखनऊ में कानपुर में सर की क्लास हुई थी तो उस समय मैं अकेला था जो सर के साथ ट्रैवल कर रहा था तो सर का सारा काम देखना रात को पैर दबाना सुबह उठ के सर से पहले उठ के उनके कपड़े तैयार करके वो सारे काम मैंने किए तो मैंने फिर उस समय मजाक मजाक में पूछ लिया मैं ही सर के साथ घूम रहा था तीन दिन तक तो मैंने बोला सर आपको याद है फर्स्ट टाइम जब आप मेरे को मिले थे आपने पूरा इतना डांटा था मुझे और अब जाके आप मेरे को इतने प्यार से बात कर रहे हो तो कहते यार अगर तुम्हें पता है कि किसी के अंदर पोटेंशियल है तो उसका ऑपरेशन जो होता है वो तुरंत करना चाहिए अगर तुम उसका <laughs> तो बोलते कि जो मैं दो साल तक तेरे को डांटता संभाल समझाता तू सीखता नहीं तेरा एक बार ऑपरेशन किया एक बार कट लगाया तू एकदम से सुधर गया तो सिमिलरली मेरी लाइफ का भी अब यही अप्रोच हो गया है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को किसी को सुधारना है या सुधारना मैं कौन होता सुधारने वाला लेकिन मेरे को अगर किसी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो एकदम सीधा होना चाहिए ना कि अः कहते ना बीट अराउंड द बुश वो नहीं होता जो सीधा वार है सीधा वार करो और एकदम जो है वैसा वार करो तो सर ने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो ऑपरेशन वाली बात बोली थी उसके बाद मेरे को समझ में आया कि जो इस इंसान ने दो साल की जर्नी मेरी देख ली थी और उस दो साल की जर्नी को देखते हुए उसने मेरे को 2016 में ही सुधार दिया तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आना पाना सती तो मैं विपासना के टाइम से कर रहा हूँ और विपासना में मेरे को जाते हुए मतलब मैं चार बार विपासना कर चुका हूँ तो उसमें मेरे को चार साल पहले मतलब दो 2015 में मैंने विपासना करना शुरू कर दिया था लेकिन जो मेरी असली स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई क्योंकि गोयनका जी नहीं रहे थे तो गोयनका जी से मिल भी नहीं सकते थे जो उनका रिकॉर्डेड वीडियो है वो लिमिटेड है और विपासना जो है वो हर मास्टर का एक्सपीरियंस नहीं प्रमोट करता वो सिर्फ एक का करते हैं गोयनका जी का लेकिन सर के साथ जब मैं मिला तो टू बी वेरी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो थी वो तब से ही शुरू हुई थी तो ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी के बाद का है और अच्छा आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वसंता शास्त्री जो है मेरी मदर इन लॉ उस दिन ऑडिटोरियम में वो भी प्रेजेंट थी और <laughs> अभी शादी के बाद जब हम सब बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला हम लोग हम लोग बेसिकली हम लोग उस पुराने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा था तो बोलती हाँ कोई था तो सही जो बहुत डांट खा रहा था सर से <laughs> तो, तो मैं मैंने बोला वो मैं ही था <laughs> तो, कहते कि मैं भी बहुत दूर भाग गई थी क्योंकि सर का गुस्सा <laughs> तो, तो ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है <laughs> थोड़ी सी फन थोड़ी सी हार्ड बट ऑल एंड ऑल जो था इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस आई मीन आप एकदम से नहीं बोल सकते कि हाँ इस पॉइंट पे जाके कि आपका हो गया है मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल तक स्पिरिचुअली सर के साथ ही हैं। लेकिन वो अभी भी बोलते हैं कि यार उनकी लाइफ का जो काम है जो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है अभी भी बहुत बची हुई है तो आई थिंक इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस तो फर्क नहीं पड़ता आप दो साल हैं या बीस साल है आपका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपका हमेशा बढ़ता ही रहेगा क्योंकि अगर आप एक चोटी तक पहुंच जाएंगे तो आपके सामने सर पथरी सर एक दूसरा बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे बोलेंगे वो तुम्हारी चोटी है <laughs> तो तुम एक चोटी से दूसरी चोटी तक चढ़ते चले जाओगे तो उसमें आपकी ग्रोथ है तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ध्यान से पहले अः भले ही मैं बिपासना गया मैंने एक्सपीरियंस लिए मैं दो बार ऐसा हुआ था कि मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था ध्यान से कि मेरा मन था कि मेरे को इसको पूरी लाइफ करना है और मैं इतना इंटेंस हो गया था कि मेरे को पता है कि मैं अगर मैं इस जीवन में वापस आया तो मैं अच्छा कर लूंगा लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरे को हिमालय में रह के ध्यान करना है और इसी के चलते और मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकता था क्योंकि मम्मी से और डैड से इतना डर लगता है कि आप सीधा जाके बोल नहीं सकते अच्छा भाई देवे आपने इतनी मेहनत तो कर ली मेरे को हिमालय जाके रहने का मन है <laughs> <laughs> तो तो मैंने विपास मैंने विपासना के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो पहले दो बार तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें क्या है कि आप फोन भी ऑफ करो आपको सब ऑफ करना है कोई आपसे बात नहीं कर सकता बाहर से तो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो मैंने सोचा यार फोन ऑफ कर दूंगा एनी वे anyway, नेटवर्क आना नहीं हिमालय में तो घर पे तो विपासना बोल के मैं दस दिन जाता हूँ घूम के आता हूँ देखते क्या है तो पहली बार गया तो बहुत पसंद आया मैं दो तीन ऐसे एक कैप्टन से मिला था आई थिंक मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहूंगा एक कैप्टन थे जो रिटायर्ड थे आर्मी से तो मेरा एक फ्रेंड था जो यूएस के टाइम पे तो वो यूक्रेन से इंडिया आया हुआ था घूमने के लिए तो हम लोगों ने हिमालय का प्लान साथ में बनाया तो हम लोग ट्रैक करते हुए जा रहे थे गौ मुक्तेश्वर के पास और वहां पे मैंने देखा कि एक सर है वो गंगा के ऊपर तैर रहा है तो अब चलते चलते तो पहले तो मैं डर गया कि देखा खाली सर तैर रहा है थोड़ी देर रुक के देखा तो एक आदमी चल के बाहर आया तो उसकी पूरी बॉडी गंगा के अंदर थी खाली सर गंगा से। तो उनका तो उनका नाम कैप्टन साहब ही बोलते थे सब लोग। तो मैं तीन दिन तक उनके साथ रहा उनकी झोपड़ी में और आगे जाके मेरे को बालक दास जी एक है महाराज जो ये आपका फेमस मंदिर है ना शिव जी का बद्रीनाथ बद्रीनाथ और केदारनाथ उनके किदारनाथ। उनके जो दरवाजे खुलते हैं ना तो ये जो है बालक दास जी वो उन्ही दरवाजों को खोलते बंद करते हैं तो मैं उनकी गुफा में भी रहा दो तीन दिन और मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि हाँ यार दोबारा जाना चाहिए तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ध्यान का तो उ, उनके साथ बैठ के ध्यान करता था उनके साथ गाँव जंगल में जाके सीखता था कौन से पत्ते खाने चाहिए कौन से फल खाने चाहिए कितना आपको पानी पीना चाहिए ये सब सर्वाइवल टेक्टिक सीखी उनसे और दूसरी बार फिर और लगा कि हाँ यार आई कैन मेक इट और एक होता है कि आपकी सोल का जो रहता है ना मैम की पुरानी लाइफ का जो आप ज्ञान लेके आ जाते हो जो आपको बैक ऑफ द हेड है आपकी सोल को पता है कि हाँ ये है तो नेचुरल वो इंक्लिनेशन हो जाता है उस चीज से जैसे ध्यान से कैसे मेरा इंक्लिनेशन हो गया जबकि बी में फुल टाइम में लास्ट ईयर ही आया हूँ लेकिन अगर मैं किसी से मिलूंगा तो कोई मेरे को ये नहीं बोलता कि तू अभी तेरे को चार पांच महीने ही हुए हैं फुल टाइम आए हुए या ऐसा लो सब लोग बोलते तेरे को हम पहले से जानते हैं तो सिमिलरली वो हिमालय का जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा वो यही था कि मेरे को ये चीज़ करनी है फुल टाइम और दूसरी बार जब मैं गया वहाँ पे तो मेरा मन बना लिया था कि मैंने मैं जो त्याग के अपना गेरुआ कपड़ा पहनूंगा और पूरा टाइम वहीं रहूंगा लेकिन मेरे को वहाँ से लोगों ने भगा दिया बोला बोला तेरी लाइफ यहाँ के लिए बनी नहीं है तेरा पर्पस अलग है करके बालक दास जी जो थे उन्होंने मेरे को बोला कि तू वापस जा अगर और तीन साल बाहर रहे अगर तेरा फिर मन करता है तो आ। तो आ पता चला कि तीन साल में तो मेरी शादी हो गई और पूरी पत्री सर मिल गए जो एक्सपीरियंस मुझे हिमालय में होने थे वो मेरे को यहीं पे हो रहे हैं तो ये ध्यान मैं बोलना चाहूंगा ये मेरी प्री स्टेज था प्री ध्यान जो मेरा था कि समथिंग वॉज प्रिपेयरिंग मी क्योंकि अगर आपको योगी बनना है अगर योगी आप कैसे बनोगे दुनिया में रहते हुए क्योंकि आपकी कई चीजें है आपको बिजनेस में लोगों से संभालना है आप मेरी मेरी जो स्टेज है मैं एक बड़ी कंपनी में एक बड़े टैंज का हेड हूँ तो मेरी टीम जो है वो इंडिया में रिपोर्टर्स हैं पार्टनरशिप्स हैं आप, आप कहाँ पे इसको स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओगे आपको अपना प्रॉफिट देखना है कंपनी का ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए तो कैसे आप उस चीज में अपना ध्यान का एंगल बना सकते हो तो उसके लिए आई थिंक ये जो स्टेज था मेरा उसने मुझे उसके लिए प्रिपेयर किया था कि कैसे मैं प्रापंचिकता में रहते हुए भी ना रहूँ क्योंकि आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ के ऊपर फेस करते हैं कि जैसे पीयर प्रेशर हो गया या आ, कहते हैं कि सब लोगों के पास आईफोन है तो मुझे भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कॉमन देख देखने को मिलता है तो मेरे दिमाग में था कि ऐसे कैसे हमें अपनी मन की जो टेम्पटेशन है उसको पूरा तो करूं लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए तो मैं सीधा आउट ऑफ़ द वे जाके मैं कर लूंगा तो ये मेरा प्री स्टेज रहा था। तो अब मैं शेयर करना चाहूंगा जब मैं बिल्कुल अज्ञानी के उसमें था कि मेरे पास डिग्री थी मेरे पास स्कॉलरशिप थी सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को अज्ञा, अज्ञानी की स्टेज बोलूंगा उस समय बिकॉज अगर सिंस आज का टॉपिक मैनिफेस्टेशन है तो मैं मैनिफेस्टेशन यहाँ से शुरू करना चाहूँगा बिकॉज मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बाय एक्सीडेंट हुआ है मैंने कभी भी आगे देखिए अभी मैं अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता है कि हाँ ये दीवार है ये पर्दे हैं ये अलमारी है लेकिन जब आप पीछे से आगे आते हो अब मैं इस दीवार जो ये कंप्यूटर के पीछे दीवार है उसके आगे क्या है वो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं उस दीवार के आगे जाऊंगा राइट right? पीछे देख के देखना तो बहुत आसान है यहाँ पे पंखा लगाया लेकिन अगर मेरे को कमरा ही ना देखा हो तो मैं नहीं बता सकता कहाँ पे पंखा होगा कहाँ पे अलमारी होगी कहाँ पे पर्दे होंगे तो सिमिलरली जब मैं उस टाइम पे था पास्ट में आगे बढ़ रहा था मान लीजिए सिक्स सेवन क्लास से आगे तो बाय एक्सीडेंट मेरे अंदर से एक जिज्ञासा बोलूंगा क्यूरियासिटी जगी जिसमें मेरे अंदर था कि यार कैसे मैं अपनी करंट लाइफ को चेंज कर सकता हूँ उस समय क्वेश्चन मैंने ये नहीं पूछा कैसे मैं अपनी करंट लाइफ को चेंज कर सकता हूँ क्वेश्चन था कि यार कैसे मैं अपने पापा की डांट कम खाऊं लेकिन जो मैनिफेस्टेशन की स्टार्ट थी मेरे अंदर और कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 60 70 होंगे जिनको 90 जाना है जो 90 होंगे उनको 100 जाना है तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार ये सब शुरू हो जाता है आपकी हैबिट के साथ जो आई थिंक जो मेरी स्पिरिचुअलिटी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी मेरी हैबिट से कि मेरे को ये चीज समझ में आ गया कि हैबिट ऐसी चीज है जो मुझे हर वो चीज दे सकते जो मुझे चाहिए और हैबिट जैसे प्रेजेंट कुछ होता नहीं है पास्ट कुछ होता नहीं है फ्यूचर कुछ होता नहीं है वैसे ही हैबिट कुछ होती नहीं है प्रेजेंट क्या है कि आपका हर जो मिनट है हर जो घंटा है आप कैसे उसको बिता रहे हो वो आपका प्रेजेंट है आप उसको कितनी क्वालिटी से बिता रहे हो उससे आपका फ्यूचर डिटरमाइन होगा आपने वो पास्ट में कितना उसको क्वालिटी से यूज किया हुआ है उससे आपका प्रेजेंट डिफाइन होता है सिमिलरली आप इस घंटे में अभी बैठ के क्या कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार अब मैंने क्लासेस जैसे छोटे लेवल की क्लासेस लेनी शुरू की है सेंसे के साथ आ, मैं अपनी कंपनी में भी जाता हूँ तो मैं अपना पिच करता हूँ ध्यान समझाता हूँ लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ मैं कई बार देखता हूँ कि लोग वीडियो के सामने तो बैठे होते हैं लेकिन वीडियो ऑफ करके वो अपना काम वाम करने आते हैं जैसे ध्यान खत्म होने की वो होता है लाउड स्पीकर में लगा होता है तो चुपचाप आते बैठते हैं वीडियो ऑन कर लेते हैं ये बहुत कॉमन वो है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा मेरे लाइफ में चेंज वहां से आया कि अगर मुझे कोई देख नहीं रहा मैं उस समय क्या कर रहा हूं ये मेरे को रियलाइज हो गया था जब मैं सिक्स में था ये आप बोलिए मेरे को किसी मास्टर ने बताया या कुछ ज्ञान आया या कुछ आया लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया था मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा है और तब भी मैं बैठ के अपना होमवर्क कर रहा हूँ उस टाइम की मेरी सोच तो उसका वो अगर मैंने पा लिया तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो पहले क्या था कि मम्मी कमरे में घुसी फटाफट किताब उठाई और कुछ ना कुछ देखने लग गए उंगली घुमाने लग गए बस हमारे टाइम पे ऐसे तो उंगली घुमाते रहो मतलब पढ़ रहे हो तो वो हो गया लेकिन मेरे मार्क्स जो थे वो तब भी वो आए घर वाले बोलते थे तू तो, तो दस दस घंटे किताब के सामने बैठा रहेगा मार्क्स तेरे तब भी नहीं आते तो घर वाले सोचते तू तो बचपन से ही स्टूपिड है लेकिन अब मेरे को पता है कि हाँ भाई जो मेरे को आप पढ़ाते हो वो तो मुझे समझ आ जाता है तो टेक्निकली तो ये बात सही नहीं है तो फिर क्या हुआ कि जैसे कोई मेरे को देख नहीं रहा लेकिन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए मान लीजिए दो साल तक मैं 40 से 55, 57 तक पहुंचा था लेकिन मैंने वो हैबिट नहीं छोड़ी एक हैबिट कि अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ वो हैबिट मैंने पकड़ के रखी मैंने ना मैंने ना टाइम टेबल बनाया ना मैंने कोई डिसिप्लिन किया ना कुछ कुछ नहीं सिर्फ एक हैबिट अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा और उस समय में क्या कर रहा हूँ वो मेरे रियलिटी है वो मेरा ट्रुथ है तो उस हैबिट के साथ साथ क्या हुआ 55, 60 तक मैं आने लग गया और टेंथ तक मेरा क्या 67 मेरे को टेंथ में मिले थे जबकि हिंदी में मेरे को 48 आए थे 100 में से बोर्ड में और ये मेरे टाइम का बोर्ड है जिसमें 40 लाना मतलब आप आपका जीवन ही खत्म है आपको लोग छः सात सात साल तक आपकी परसेंटेज पूछेंगे और हंसी हंसेंगे तो चलो ठीक है आ तो गया अब सारे दोस्त थे वो अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल्स में जा रहे थे कोई रायन जा रहा है कोई डीपीएस uh, जा रहा है कोई कहीं जा रहा है अब मेरे को लगा कि यार चल ठीक है साइंस uh, नहीं मिलेगी तो कॉमर्स मिल जाएगी कॉमर्स में मैथ नहीं मिलेगी तो बिना मैथ के उठा लेंगे कुछ भी नहीं हुआ तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज तो है ही है <laughs> <laughs> तो पापा पूछते हैं आपको कौन से स्कूल में जाना है अब मैं बड़े प्राउडली बोला पापा देखो रायन में मेरे को आर्ट्स मिल जाएगी डी में मुझे कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल जाएगी तो डैड ने मेरे को एक चीज बोली कि अगर तेरा गोल ही इतना छोटा है तो तू कैसे आगे बढ़ेगा ये चीज़ ये चीज जो थी वो इतनी इम्प्रेंट हो गई है मेरे अंदर क्योंकि मेरे जैसे रियलाइजेशन होता है ना आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यार ये पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऐसा है कि कोई और बोल रहा है इस इंसान के थ्रू तो मेरे दिमाग में भी ऐसा हो गया कि कैसे तो फिर मैंने बड़ा सोचना शुरू कर दिया बड़ा कैसे सोचा कि यार मैं नॉन मेडिकल ले लूंगा और नॉन मेडिकल में मेरे को नीचे के जो टॉप थ्री स्कूल थे उसमें मेरे को नॉन मेडिकल मिल रही थी तो अब ह्यूमन नेचर होता है कि आपको बेस्ट चाहिए तो मैं उसमें भी जो नीचे से जो टॉप थ्री थे उसमें जो फर्स्ट था मतलब स्कूल में फरीदाबाद मैं फरीदाबाद में बड़ा हुआ हूँ तो फरीदाबाद में तीस स्कूल थे तो सत्ताईसवें नंबर का जो स्कूल था उसमें मैंने अप्लाई किया और उसमें मैंने मेडिकल के लिए अप्लाई किया तो वहां की जो प्रिंसिपल थी वो ऐसा था उनके साथ कि उन्होंने मेरे को देखा मेरे से बात की और मेरे पेरेंट्स को ढाई घंटे तक बैठ के समझाया कि क्यों इसको साइंस मेडिकल नहीं क्योंकि मेरे पिताजी केमिस्ट्री और डॉक्टरेट उन्होंने किया हुआ है तो नेचुरल था कि बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन uh, उनका भी था और मेरा बन गया तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ढाई घंटा बैठाया और समझाया कि इसको बायो मत दो इसको कॉमर्स मत दो इसको नॉन मेडिकल दो ये बच्चा बहुत आगे जाएगा आपको पता नहीं है इसको पढ़ाना कैसे है बोलते मैडम आपका स्कूल खुद इतना अच्छे नंबर पे नहीं है कि आपको पता होगा कैसे आप इसका क्या बता रहे हो <laughs> तो बोला कि आप मेरे को भरोसा करो आप इसको नॉन मेडिकल दो कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट इस बच्चे का ये तो होगा कि इसके पास साइंस रही है डी में इसका एडमिशन हो सकता है करके माई पेरेंट्स एग्रीड और जब वो एग्री हुए मेरे दिमाग में हवा निकल गई थी क्योंकि hmm. यहाँ मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास कभी किया नहीं पढ़ाई में मतलब फिफ्थ सिक्स तक किया था सिक्स से जो टेंथ की जर्नी थी उसमें थोड़ा सा होप कम हो गई थी पिताजी की अब मैं बोला यार अब दो लोग तो थे ही थे जिनकी एक्सपेक्टेशन मीट करनी थी यहाँ पे तीसरी प्रिंसिपल और आ गई है क्योंकि मैं जो था सेंट एंथनी में था तो फरीदाबाद में सेंट एंथनी टॉप थ्री में आता है स्टैंडर्ड में तो मैं टॉप थ्री से बॉटम थ्री के टॉप में आ गया <laughs> तो वो अंदर से एक डर था कि यार कैसे मैं इस चीज को कर पाऊंगा लेकिन वही सेम हैबिट दो चीज जो थी मेरे लाइफ में कि एक हैबिट थी कि अगर मेरे को कोई देख नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा और दूसरा था कि अगर मैं छोटा ही सोच रहा हूं अगर डैड का एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल था लोगों के पास बीस लाख होते हैं वो बी का सबसे हल्का वर्जन लेना प्रेफर करेंगे जबकि उसका कुछ फायदा नहीं है रादर तुम मारुति का टॉप वर्जन ले लो तुम्हें उसमें ज्यादा फीचर सेफ्टी और वो सब मिल जाएगा लेकिन लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उनको वो ये ये पसंद करेंगे ब्रांड का जो वो अफोर्ड कर पाते हैं ना कि जो ब्रांड अवेलेबल है उसका टॉप एंड तो ये जो माइंडसेट था ये मेरे डैड आई थिंक उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मेरा ये बेल्ट किया था और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मार्क्स तो फर्स्ट टाइम मेरा जो आया वो सेवेंटी के आसपास आया था और जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम देता गया प्रिंसिपल से मेरी बात होती गई मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लग गया तो फर्स्ट इलेवेंथ जो मेरी क्लास थी उसमें ये मान के चलिए कि मैं अपनी क्लास में सेवेंटी फोर परसेंट था जो मैं टॉप अपनी क्लास को किया था मैंने तो जायज सी बात है प्रिंसिपल का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया क्योंकि हैबिट तो कुछ थी नहीं हैबिट खाली ये थी कि जो मेरे खाली अकेला अगर मैं बैठा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं अगर मेरे को ध्यान करने का मन है मैं अकेला बैठा हूं तो मैं ध्यान करूंगा अगर मेरे को काम करना है तो काम करूंगा ध्यान किसी हेल्प करनी है या किसी के साथ कुछ काम करना है तो मैं वो काम करूंगा तो देखते देखते इलेवन टॉप हो गया इलेवन टॉप हो गया तो ट्वेल्थ में एक विद्या मंदिर क्लासेस करके कोचिंग सेंटर्स होते हैं तो मेरी प्रिंसिपल ने मेरी पूरे एक साल की फ़ीस भर दी थी वहाँ पे कि इसको आई आई की प्रिपरेशन कराएंगे तो एलेवंथ क्लास में टॉप हुआ ट्वेल्थ क्लास में छः बच्चों की फ़ीस उन्होंने भरी थी जिसमें मैं भी एक था तो हम लोग क्या था वी नहीं जाते थे वी वाला स्कूल में आके हमें पढ़ाता था तो mm. मैं सुबह सात बजे जाता था और रात को आठ साढ़े आठ आता था क्योंकि पहले दो बजे तक स्कूल होता था फिर दो से आठ छः घंटा वी की पढ़ाई होती थी तो वो जो हैबिट थी तो इससे ये मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज में ग्रो कर रहे हो अगर आप किसी चीज को किसी चीज में इंप्रूव कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है अंदर से तो वो चीज लाइफ यूनिवर्स बोल लो कुछ भी बोल लो वो चीज उसको मल्टीप्लाई करता रहता है इसको आई थिंक उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि अगर मेरे को आज मैथ में हिंदी मान लीजिए मैथ में भी मेरे सिक्सटी फोर्टी फिफ्ट फिफ्टी के आसपास ही मार्क्स आए थे मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगता था इलेवेंथ में मेरे मैच में सिक्सटी सेवन आए थे मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्वेल्थ में मेरे एटी नाइन आ गए तो मेरे को और अच्छा हो गया बिट्स 11... फिलानी में तो मैं फुली मार रहा था मैच में दो साल तक तो एक कॉन्सेप्ट थे थे कि थिंकिंग हैविंग एंड बींग तो लोग शुरू करते हैं थिंकिंग से कि मेरी ये सोच है मुझे ये चाहिए मान लीजिए मेरे को बड़ा घर चाहिए ये मेरी सोच हो गई हैविंग हो गई जब मेरे को मिलेगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा बीइंग हो गया मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे मन में इतना थॉट स्ट्रांग है कि मेरे को वो चीज फील हो रही है कि मेरे पास है और मैं वही चीज का आनंद ले पा रहा हूं तो मेरे अंदर जब मैं बीइंग स्टेट में पहुंच गया तो चीजें मेरे अंदर से मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई मेरे को पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आता था लेकिन इवेंचुअली जब मैंने अपना Uh, देखा कि हाँ मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं मैंने अपने तीन चार महीने के जो एग्ज़ाम्स के रिपोर्ट कार्ड थे वो देखा तो क्लियर उसमें ग्रोथ दिख रहा था तो मेरे अंदर से और अच्छी खुशी होने लग गई तो इवेंचुअली मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लग गए uh, मैं एन में था तो एन में मैंने आर डी परेड में अपना आर्ट कैंप्स का जो हमारा बॉयज कैंप होता है उसमें अपना आर डी परेड में गया तो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं घुसने लग गया तो इलेवें ट्वेल्थ में आते आते मेरा ऐसा हो गया कि अगर मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ तो मे, मेरी प्रिंसिपल को कोई मतलब नहीं है बिकॉज शी नोज कि ये स्कूल भी नहीं आ रहा होगा लेकिन ये पढ़ रहा होगा तो और मैं पढ़ता भी था तो ये मान के चलिए कि इलेवेंथ में मैंने सेवेंटी परसेंट अटेंडेंस थी ट्वेल्थ में मेरे पास फोर या फाइव परसेंट अटेंडेंस थी वो भी वो थी जो मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए आपको क्लास में बैठना है वो और एंड टू एंड में मैं अपने ही बैचमेट्स का पेपर भी चेक करने लग गया मेरा केमिस्ट्री टीचर था शशि भैया वो कहता है यार मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूं तू मेरे पेपर चेक कर दे तो मैं अपने बैचमेट के एंड में जाते जाते पेपर भी चेक करने लग गया क्योंकि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके सामने वो चीज आ रही है तो आपको क्या होगा कि ये मतलब जैसे चोटी वाला होता है ना कि आपने एक चीज अचीव करी आपको अच्छा लगा यूनिवर्स बोलेगा तेरे को अच्छा लग रहा है लेट मी गिव यू मोर और आपने वो चीज को फिर से किया आपको और अच्छा लगा बोले तेरे को ये भी अच्छा लगा, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाता है और सारी चीजें होती है कि आप मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री देखिए मार्क्स नहीं आते थे मार्क्स आने लग गए मार्क्स आने लग गए मेरे को अच्छा कॉलेज मिला अच्छे कॉलेज की वजह से मुझे अच्छे लोग मिले अच्छे लोग की वजह से मैं वो अक्टूबर में जो आई कानपुर वालों का इवेंट हुआ था वहां पे क्या उसी चीज की वजह से मेरे को सर सर मिले सर ने जो भी डांटा पूरा रक्स हंगामा <laughs> मचाया वहां पे बट एट दी एंड ऑफ द डे क्या था कि जो मेरी ट्रेजेक्ट्री थी लाइफ की वो मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई तो कहा जो मेरी सिक्स स्टैंडर्ड की एक हैबिट थी कि यार अगर मैं खाली बैठा हूं तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है ना कि मैं टाइम पास करूंगा उस हैबिट की वजह से मेरी लाइफ को कितना चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वैसे ही रहता मेरे टेंथ में भी फोर्टी आते इलेवंथ में भी फोर्टी आते ट्वेल्थ में भी फोर्टी आते आ, बिट्स तो भूल जाइए आप एन भी नहीं मिलता मुझे क्योंकि उस समय तो ए ट्रिपल ही अलग था आई अलग था उसमें आई में भी दो एग्ज़ाम दो आ, किसी कॉलेज में घुसना है उसके भी एग्ज़ाम अलग है बिट्स एड भी अलग है बिट्स कुलानी का तो मैं कहीं पे घुसता नहीं कहीं पे घुसता नहीं मुझे कोई इंसान कोई मेरे दोस्त नहीं मिलते कोई मेरे को सक्सेसफुल बंदा नहीं मिलता लाइफ में और वो नहीं मिलता तो मैं आईआईटी कानपुर में मुझे कोई जानता नहीं मैं उस इवेंट में जाता नहीं सर मिलते नहीं लाइफ चेंज होती नहीं तो अगर मैं पूरी ट्रेजेक्ट्री देखू क्योंकि जिस दिन मेरे को सर मिले उसी दिन मुझे अलेखा भी मिल गई जो इवेंचुअली मेरी वाइफ हो गई तो ये सारे डॉट्स जो हैं लाइफ के मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं और जब तक आप एक चीज के क्लियर हो कि आपकी एक हैबिट है कि आप अपने आप से ट्रू हो क्योंकि खाली कमरे में बैठे हुए हैं अपने आप से ट्रू आप तभी हो जब आप वही काम कर रहे हो जो आपको करना है क्योंकि आदमी अगर खाली बैठा है और पता है कि हाँ यार मेरा और मेरी कंपनी में पांच दिन वर्किंग है फॉर एग्जाम्पल तो मैं आराम से बोल सकता हूँ यार मेरे नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं किसी एक को भी काम दे दूंगा मेरा वीकेंड खाली हो जाएगा लेकिन मेरे को पता है कि यह काम अगर मैं करूंगा तो ये काम अच्छे से हो जाएगा तो मैं रादर सैटरडे को बैठ के अपना काम कर लूंगा ताकि मंडे को मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेना चाह दूँ क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं सिंपल बात है कि अगर मेरे को एक चीज पढ़ाई करनी है एग्जाम से एक हफ्ता पहले खत्म करना है सिलेबस और मेरे को पता है कि हाँ ये मेरा गोल है तो जब भी मैं खाली बैठा हूँ जब भी मैं खेल नहीं रहा जब भी मैं यू नो पेरेंट्स का हेल्प नहीं कर रहा या दोस्तों के साथ मैं वही काम करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के पास ले जाएगा क्योंकि महायोग ध्यान को सॉरी डीएमसी में भी एमडीएमसी में भी सर ने बोला था लक्ष्य और अभ्यास उस पर सर ने एक मॉर्निंग मैसेज दिया था अपना कि जीवन में तुम लोग इसीलिए फेल होते हो क्योंकि ना हमारा कोई लक्ष्य होता है अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो अभ्यास तो हम क्या ही करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि हम मेरे को दिल्ली से रायपुर आना है तो मैं क्या ही अपनी ट्रेन बुक करूंगा क्या ही अपनी फ्लाइट बुक करूंगा या गाड़ी बुक करूंगा अगर मेरा गोल क्लियर हो गया है कि हाँ मेरे को दिल्ली से रायपुर जाना है तो मैं उस लक्ष्य के ऊपर अभ्यास करूंगा और अभ्यास करूंगा तो मैं टिकट बुक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे ये हमारी मेरे अराउंड जो देखा है मैंने आई एम श्योर छत्तीसगढ़ में भी सेम चैलेंजेस हैं कि एक लक्ष्य बैठो अगर आपके चालीस आते हैं सौ मत बोलो चालीस का साठ करो साठ का नब्बे ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रॉब्लम होता है कि नीता आंटी आपने भी कई बार देखा होगा कि बच्चे चालीस परसेंट में होते हैं पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे मार्क्स लाओ अच्छा उनके लिए अस्सी अस्सी का मतलब सौ परसेंट ग्रोथ और आप आप की एक बच्चे से एक साल में सौ परसेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर कोई आपको बोले कि आपकी तनख्वाह डेढ़ लाख रुपए इतना पढ़ाए लिखे होने के बावजूद इतना सस्टेन होने के बावजूद नहीं कर सकते तो क्या वो नया बच्चा कर पाएगा तो अननेसेसरी प्रेशर जो है वो बच्चे को और तोड़ देता है तो वो चालीस भी नहीं फिर वो पैंतीस लाएगा ये चीज मेरे साथ अच्छी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स जो है वो फ्री माइंड है उनको था कि इसकी खुद की लाइफ है जो इसको करना है वो करेगा तो और लकीली मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि मैं जो था वो सही डायरेक्शन की तरफ चला चला गया बट अगर मैं अपने गोल सेटिंग को अच्छे से रखूं कि मेरे 40 आते हैं ठीक है 40 आते हैं ना आई हैव एक्सेप्टेड माय सिचुएशन नाउ दिस टाइम आई विल गेट 60 आई विल गेट 55 आई विल नॉट गो फॉर एट्टी क्योंकि 80 करूंगा नॉर्मल यूजलेस प्रेशर है आई विल गो फॉर 60 दिस ईयर नेक्स्ट ईयर आई विल गो फॉर 65 या 70 क्योंकि वो जंप बहुत छोटी क्योंकि आप जीओगे 100 साल तक 80 साल तक फॉर एग्जाम्पल और आप अपनी लाइफ को देख रहे हो एक साल दो साल में तो वो ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं तो सिमिलरली मेरे साथ ऐसा था कि मैं शुरू हुआ था साठ साठ से अस्सी अस्सी से टॉपर टॉपर से स्कॉलरशिप और अभी रिसेंटली मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से भी हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी उनका एक डिप्लोमा कोर्स था तो मैंने वहाँ से भी अपना डिप्लोमा किया हुआ है बी के बाद तो सिमिलर तो ऐसे और आप फिर मैं अब आता हूँ अपनी जॉब पे क्योंकि आई थिंक मैंने अपना प्रापंचिकता पे ज़्यादा टच नहीं किया तो मेरी पहली जॉब थी वो यूएस में लगी थी तो और मैं उन बच्चों में से हूँ जो 22 साल की उम्र में उनका खुद का ट्रैवल मैनेजर था उनको डॉलर्स में सैलरी आती है और उनको फाइव स्टार से नीचे कंपनी कहीं नहीं रुकवाती इंडिया से यूएस जाते समय और ये चीज इतनी गंदी है ये एकदम ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो लोग यूजुअली सुनते हैं ये चीज इतनी गंदी है कि मेरा जो दिमाग था वो उस हिसाब सेट हो गया टोन जो थी दिमाग की देर इज समन कैन टेक केयर ऑफ मी और उस चीज पे जाते जाते मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि यार ये तो हो ही जाएगा यू you नो know? ऐसा प्रॉब्लम हो गया कोई भी प्रॉब्लम है ऑफ मी सॉल्विंग इट आई वाज रिलाइंग ऑन समवन कि वो आके सॉल्व करेगा तो इसी बीच मेरे को यूएस में ही रहते रहते रूमोथर आर्थराइटिस हो गया था तो हुआ क्या कि एकदम कॉलेज से फ्रेश बच्चा जिसका ईगो इतना हाई है कि लोग उसके लिए होटल बुक करा रहे हैं फ्लाइट बुक करा रहे हैं और कंपनी uh, एक दिन ऐसा हुआ कि और झटके से हुआ ऐसा नहीं था कि मेरे को चोट लगी या ग्रेजुअली झटके से ऐसा हुआ कि मैं अपने बेड से खड़ा नहीं हो पाया तो मेरा जो था वो हिप की जो बोन थी और जो लोअर बैक की बोन थी वो पूरी बोन जाम हो गई थी तो कंपनी ने सोचा कि इस आ गया होगा क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब होती है थोड़ी सी फिजिकल होती है प्लस इंटेलेक्चुअल होती है तो कंपनी ने बोला कि ठीक है आप एक हफ्ते का छुट्टी ले लो आप अपना टेस्ट वेस्ट करा के देखो क्या है और एक बंदे ने सजेस्ट किया कि आप अपना एच एल बी कराओ एच एल बी एक जीन होता है बॉडी में जो आपको आर्थराइटिस और उन सब के बारे में बताता है तो अब मैं तो उस समय अपना अलग ही जोश में था तो मैं गया अपना सारे टेस्ट करवा के आ गया पता चला मेरा एच एल बी जो है वो पॉजिटिव है तो और आठ महीने के अंदर अंदर मैं उस बच्चे से जो डॉलर्स में कमा रहा था उससे अनएम्प्लॉयड हो गया क्योंकि कंपनी ने मेरे को इंडिया शिफ्ट कर दिया और uh, बोला कि आप ये दिस डिसीज़ कान बी क्योर्ड एंड uh, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ एंड वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट दिस डिसीज़ तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर जॉब और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसी बीच एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक हॉट शॉट से सीधा अनएम्प्लॉयड हो गया और ऐसा अनएम्प्लॉयड हुआ जो मेरी कंपनी थी श्लंबरजर थी जो वर्ल्ड में टॉप थ्री कंपनीज में से एक है और वहां से मेरे को निकाल दिया तो इंडिया में कोई कंपनी मुझे टच करने को तैयार नहीं थी क्योंकि सबको पता था एक्सपीरियंस कहां से श्लंबरजर से आपकी लिंक्डइन हो गया कॉलेज हो गया हर जगह से इंफॉर्मेशन निकल जाती है तो प्रैक्टिकली मैं पूरे सेक्टर से ब्लैक हो गया बिकॉज सारी कंपनीज जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए तो बोलती हैं और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे और ऑब्वियसली जो तो आपके बगल वाला है वो आगे निकल जाएगा आपसे तो मैं 24 साल की उम्र में अनएम्प्लॉयड पूरे सेक्टर से ब्लैकलिस्ट लिटरली करियर खत्म हो गया था मेरा और घर पे डायड आए और पूरी फैमिली मेरी परेशान हो गई थी और मेरे को एक अंकल हैं उन्होंने महिंद्रा में उस समय एक लाख का पैकेज बारह लाख का पैकेज दिया था बोला था आ जाओ यहाँ पे ट्राई कर लो बट uh, मैं उस समय ऐसे माइंड सेट में था कि मैंने बिल्कुल अपने दिमाग से ही निकाल ही दिया था कि मेरे को जॉब करनी है तो उसी बीच मैंने फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट क्योंकि वही सेम हैबिट जो है वो आपको आगे जाके तो मैनिफेस्ट करवाती हैं चीज़ें तो मैंने सोचा कि यार मेरे अंदर अभी भी वो झील तो है काम करने की तो मैंने पढ़ाई एजुकेशन कंपनी खोली अपनी और तीन साल में उस कंपनी को मैंने अच्छे पैसे में बेच दिया तो और जैसे मैंने उसको बेचा उतने में मेरे को पत्री सर मिल गए और फिर धीरे धीरे क्या है कि मैं फिर फिर मेरी जॉब चेंज हो गई मैं गवर्नमेंट एडवाइज़र बन गया न्यूट्रिशन में क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था मैकेनिकल इंजीनियर से बिजनेसमैन बना बिजनेसमैन से मैं पॉलिसी एडवाइजर बना अब मैं एक एजुकेशन कंपनी का हेड हूँ तो अगर आप मेरी जॉब भी देखोगे तो वह ऐसे ऐसे है एक सीधी लाइन में नहीं है और वह ऐसे ऐसे कि एक एक बड़ी बड़ी पीक पे चढ़ता चला जा रहा हूँ तो मैं सबसे यही अपना एक्सपीरियंस जो है वो यही शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज तो है कि आप अपनी ये हैबिट बनाओ टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा अगर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है कोई टोक भी नहीं रहा आप सिर्फ वो काम करोगे जो आपको करना है और दूसरा है कि सपने छोटे मत देखो मैं इजीली डिप्रेस हो जाता क्योंकि बीच में माम को कैंसर भी हो गया था तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी मैं इजीली डिप्रेस हो जाता इजीली है ना ऐसे हाथ छोड़ देता कि यार ये लाइफ नहीं हो पाएगा मुझसे लेकिन जो आपके हैबिट्स हैं अगेन कि मैं अपने आप से ट्रूँ कि मेरे को पता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और डिस्पाइट वट एवर हैपन्स आई एम एबल टू अचीव वट आई वॉन्ट टू अचीव वो एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे सामने आती चले गई अब मेरे पास अभी पैंडमिक में लोगों के पास नौकरियां नहीं है मेरे को पैंडमिक के बीच में ही नौकरी मिली है और ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा पैकेज है पैकेज भी कॉम्पिटेटिव मार्केट का रेट मिला हुआ है ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बोला है रेट कम करेंगे तो चीजें इट मैटर बाहर क्या चल रहा है एज लॉन्ग एज आपका मन अंदर से आप क्लियर हो कि आपको एग्जैक्टली exactly आपका लक्ष्य ये है और आप उस लक्ष्य के लिए ऐसे अभ्यास कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने वो आती चली जाएंगी और सामने से लोग आके बोलते हैं अब तो ऐसा है आपको पता ही होगा आंटी की जब भी ध्यान स्प्रेडिंग के लिए जा रहे हैं जो भी हेल्प चाहिए लोग अपने आप सामने से आके बोल रहे हैं कि यार हमारे पास ये है तुम ये ले लो या हम ये तो नहीं दे सकते लेकिन हम आपकी ऐसे मदद कर सकते हैं आप ये ले लो और ये चीज यूनिवर्सल है जैसे ग्रेविटी है ना कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप इंडिया में हो तो भी ग्रेविटी है आप एंटार्क्टिका चले जाओ तो भी ग्रेविटी है सिमिलरली स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आप इंडिया में हो तो वही ट्रूथ मान्य है अगर आप यूएस जा रहे हो तो सेम ट्रूथ मान्य है ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में कर्मा है और यूएस में कर्मा नहीं है तो जब आप यूनिवर्सल उसमें रह रहे हो तो दो तीन हैबिट्स ऐसी पकड़ लो जो आपको पता है कि आपके अंदर नहीं है वो कैसे होगा ध्यान से ये सिंपल फंडा मेरे को इतना टाइम लगा सिंपल ट्रूथ जानने में कि मैं अगर खाली बैठूं और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दूं क्योंकि सांस यूनिवर्सल है इट डजेंट मैटर कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूँ या मैं इंडिया में रह रहा हूँ या मैं यूएस में रह रहा हूँ या मैं यूरोप में हूँ या मैं व्हाइट हूँ ब्लैक हूँ इंडियन हूँ कुछ भी हूँ सांस यूनिवर्सल है अगर सांस गई तो जान गई और सांस सबसे प्योरेस्ट है कोई किसी की सांस को कभी गाली नहीं देगा आपने कभी भी सुना होगा ना कोई भी कर्स दे कुछ भी दे कोई कभी ये नहीं बोलेगा तेरी सांस को ये हो जाए <laughs> सब बोलेंगे तुझे ये हो जाए तेरे परिवार को वो हो जाए तेरी जॉब को ये हो जाए तेरे दोस्त को वो हो जाए कोई ये नहीं बोलेगा कि तेरी सांस को ये हो जाए तो प्रैक्टिकली सांस इज दोस्ट अनटचड पैरल ऑफ आर लाइफ और इतनी प्योर इतनी यूनिवर्सल और फर्क नहीं पड़ता कि आप, कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्या हो सांस अगर आ रही है तो जान है गई तो गई तो ये चीज मेरे को जब समझ में आई कि यार मैं कहाँ बाहर जितने मूर्तियां इतने इन सी चीजों को ढूंढ रहा हूँ खाली बैठ के मैं अपनी सांस पे ध्यान लगा लू तो आधी चीज तो मेरे को वैसी मिल जाएंगी जीवन में और जैसे मैं सांस पे बैठना शुरू हुआ ध्यान लगाना शुरू किया मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं कमी है क्योंकि कि पता कैसे चलता है सबसे पहला तो चीज है कि आप जब बैठे हुए हो और आपको पता है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या आ रही है कई बार लोगों को क्वालिटी ऑफ थॉट्स आता है कि वो नेगेटिव होता है या डिजास्ट्रस होता है क्योंकि सर का एक कॉन्सेप्ट है बहुत सही वो मैं शेयर करना चाहूँगा थिंकिंग पे थिंकिंग चार टाइप की है एक है डिजास्ट्रस एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव एक है मिराकुलस डिज़ास्ट्रस थिंकिंग उन लोगों की होती है जो सोचते हैं कि मेरा भी भला नहीं होगा ना किसी और का होगा वो थिंकिंग डिजास्ट्रस थिंकिंग है दूसरी थिंकिंग है नॉर्म नेगेटिव थिंकिंग का यार ट्राई करूं लेकिन हो ना हो पता नहीं मे बी मे बी वाला जो थॉट है वो आपका हो जाता है नेगेटिव यार पता नहीं ध्यान छत्तीसगढ़ जाऊं ना जाऊं लोग होंगे कितना होगा क्या होगा ये नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग है यार मैं अटेंड तो करूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा मैं आया मैंने सारे काम कर लिया और चुपचाप निकल गया दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग थिंकिंग है मैं आऊंगा भी लोगों को सिखाऊंगा खुद भी सीखूंगा और जाऊंगा जो सर का कॉन्सेप्ट है वीडियो में सर का वीडियो में कॉन्सेप्ट ये है मैम कि डिजास्टर थिंकिंग है मतलब सबका बुरा होगा नेगेटिव थिंकिंग है कि यार अगर मैंने स्कूटी ली एक सर एग्जाम्पल बताते हैं चार लोगों का उन्होंने स्कूटी ली हुई है डिजास्टरस थिंकिंग है अगर मैं स्कूटी में बैठा या बैठी तो मेरी मौत हो जाएगी नेगेटिव थिंकिंग है यार बैठ गया यार चले ना चले गिर जाऊं पहुंचू अपनी डेस्टिनेशन तक या नहा पहुंचू क्या पता किसको दैट इज नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग है यार मैं जाऊंगा और गुंजन मार्केट प्लेस से ये एक किलो बर्फी उठा के ले आऊंगा मिराकुलर थिंकिंग है कि मैं जाऊंगा गुंजन से आधा पाव बर्फी लाऊंगा एक किलो लड्डू लाऊंगा चार ये लाऊंगा दो वो लाऊंगा और ये सारे काम मैं तीस मिनट के अंदर करूंगा भले ही मुझे पैंतीस मिनट लग जाए लेकिन जो मेरी थॉट प्रोसेस है कि मैं आऊंगा मेरा ये लक्ष्य है मैंने इसके लिए अभ्यास किया है तो मैं अचीव करूंगा और मैं चला जाऊंगा तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपके जो थॉट प्रोसेस है आपको ये समझ में आ जाता है कि वो डिजास्टर्स है नेगेटिव है पॉजिटिव है या मेरेकुलस है क्योंकि हम सबके अंदर ये चारों आइटम रहते हैं बस फर्क ये है कि पत्री सर के पास डिजास्टर्स नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है सिर्फ मेरेकुलस है hmm. और नॉन मेडिटेटर के पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है खाली डिजास्टर्स है भाई मेरा तो भला हो नहीं रहा किसी का भी नहीं होगा सिंपल मतलब एक जो माइंडसेट मेरे को समझ में आता है लोगों का तो कैसे हम लोग ये मेडिटेशन के थ्रू स्मार्टली ये समझ पाए कि भाई हमारे जितने भी मेजर हैं वो पॉजिटिव और मेरेकुलस की तरफ रहे और नेगेटिव और डिजास्टर्स है वो ना के बराबर हो तो आपको इवेंचुअली समझ में आ जाएगा कि आपको किस दिशा में काम करना है इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता था तो मैंने ये ठान लिया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ना मैं पढ़ पाऊंगा ना दूसरा कोई इसमें पढ़ सकता है क्योंकि इतने फॉर्मूले हैं टेन थीटा यहाँ है साइंस थीटा वहां है स्क्वायर थीटा यहाँ है वो सब वहां है तो मेरे अंदर क्या था वो डिजास्टर थिंकिंग थी कि यार ट्रिग्नोमेट्री ना मैं पढ़ सकता हूँ ना कोई और पढ़ सकता है लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने मुझे पुश किया देखा कि हाँ यार ऐसे सॉल्व करते हैं साइन स्क्र कॉस स्क्र वन होता है ये वो मेरे को लगा यार शायद हो सकता है लेकिन कौन रिस्क लेगा लोग क्या बोलेंगे अगर फेल हो गया तो ये कॉमन सेंस नहीं था कि अगर ना दू तभी मेरे को फेल ही होना है डिजास्टर्स और नेगेटिव में कुछ फर्क नहीं है अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का पेपर ना दू डिजास्टर्स थिंकिंग की वजह से तो भी मैं फेल ही हूँ नेगेटिव में भी अगर मैं जा रहा हूँ पास हूं शायद फेल हूं तो भी फेल होने के चांसेस तो उसमें भी है लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरी टीचर ने मुझे ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि यार करो प्रैक्टिस करो सिंपल और मेरे को ब्लैक बोर्ड में बुला के क्लास के सामने सॉल्व करवाती थी मैम तो पहला सवाल सॉल्व हुआ तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मेरे से हो सकता है तो वो नेगेटिव से फिर मैं पॉजिटिव थॉट में चला गया कि हाँ यार कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये है कि लोग मुझे अगर देखें तो मैं ट्रिक्नोमैट्री सॉल्व कर सकता हूं वो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग था एग्जाम में बैठ के मैं सौ में से सौ लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में यह मेरी मेरेकुलस थिंकिंग है तो उसके साथ में क्या हुआ कि मैं डिजास्टर से अपनी लाइफ को मेरेकुलस में ले गया सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें अप्लाई किया मैंने बाकी चीज़ों में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया दोस्तों में पहले मेरे दोस्त बहुत नेगेटिव सारे नॉन वेज ईटर सारे किसी को लाइफ का कोई मतलब नहीं है बस उनका पैसा कमाना है और अपने इंजॉय करना है वहां से मैं योगियों पे आया एकदम से मैं पिताजी जो है वो डैड मेरे फुल टाइम आ, आ, योगी उसमें रहते हैं लाइफस्टाइल में मॉम भी मेरी फुल टाइम योगी लाइफस्टाइल में है तो उनके बच्चों से मिलना शुरू हुआ आ, मंत्र हनुमान चालीसा ये सब शुरू किया मैंने पढ़ना वहां से फिर मेरे को हिमालय जाने की बात आई तो देखिये मैं खुद की लाइफ भी देखिए डिजास्टर से मिराकुलस। कि योग हिमालय जाने के उसमें आया पॉजिटिव मैं हिमालय चले जाऊंगा मैं सारा ध्यान कर लूंगा और किसी को मुझसे फायदा नहीं होगा पॉजिटिव थिंकिंग मेराकुलस है कि मैं जूम ऑन करूंगा छत्तीसगढ़ जाऊंगा और लोगों को ध्यान सिखाऊंगा जो मैं जितना ध्यान क्या सिखाऊंगा जितना मुझे पता है मैं वो बताऊंगा तो यही दस साल में मैं डिजास्टर से एकदम मिराकुलस में आ गया मेरी अब करंट मेरी फैमिली है वो फुल टाइम ध्यान है सारे मेरे दोस्त ध्यान ही है मेरे फ्रेंड लिस्ट में नीता आंटी से लेके अमूल्या तान्या इन सब के बीच में सारे लोग हैं

धीरे धीरे करते करते मेरे को और चीजें मैनिफेस्ट होने लगी और चीजें मैनिफेस्ट होने लगी तो एक पॉइंट पे ऐसा आ गया कि अब मुझे काम ही करने की जरूरत नहीं है मैं अपना काम करता रहूंगा मेरे को सामने से बोले ध्यान छत्तीसगढ़ चले जाओ वहां पे अपना एक्सपीरियंस दे आओ ऑटोमेटिकली ना मैंने नीता आंटी से तो बात की नहीं थी बिल्कुल अमूल्या ने मेरे लिए ये चीज मैनिफेस्ट करी और मैं आया अब हम लोग यहाँ पे आई होप लोग सोए ना हो लेकिन जहां तक है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ तो ऐसे ये मेरा मैम एक्सपीरियंस रहा है पूरा थैंक यू थैंक यू नमन कुछ एक लोग नहीं आए हैं मैं रिकॉर्डिंग करके उनको यूट्यूब लिंक भेजूंगी कई लोग जल्दी सो जाते हैं तो उनको जरूर देखेंगे, देखेंगे। देखें। 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 और बहुत अच्छा रहा <laughs> और जिस तरीके से नमन मैं थोड़ा सा ना तुमसे दो तीन जगह बिल्कुल मेल खाती हूँ मैंने भी पदरी सर के साथ पहले दिन से ही डांट खाना शुरू किया और रायपुर में मैं मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रायपुर में सबसे ज्यादा मैंने डांट खाया है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्लेस्ड सोल भी मैं ही हूँ पूरे रायपुर जी, में जी, तो जी, डांट आपको जिसे सही डायरेक्शन में लेके गई मुझे भी लेके गई और तुम जो बोले ना मैं आज पहली बार रियलाइज रियलाइज करी कि मेरी लाइफ भी डिजास्टर्स लाइफ से मैराकुलस हुई है जी। अब मुझे सिर्फ सोचना पड़ता है बस मेराकल से मुझे लगा अरे ये तो बिल्कुल मेरे से पानी है नमन तो बहुत अच्छा लगा नमन बहुत स्वीट हो तुम और बहुत अच्छा बोलते हो तो माही जी अब आप बताइए नमन मेरा बीच मतलब आधा घंटे या फोर्टी फाइव मिनट तो माय चीक्स वर लिटरली सही <laughs> <नहीं> बात है तो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब तो पता नहीं ध्यानियों का होता है या नहीं <laughs> <laughs> पर आंटी का तो है बहुत तो, जी, पता जी. तो जी. आपका भी बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इंटरेस्टिंग एंड मतलब दिस इज कॉल्ड रियल ट्रांसफॉर्मेशन जी एंड एंड यू नो मतलब सबसे अच्छी बात की आप पत्री सर से इतनी जल्दी मिले और आपको वो एवेन्यूज ओपन हो गए कि अब मुझको ये करना है और और बस उन्होंने आंखों में देख लिया तो मैं तो कब से सोच रही हूँ कि वो कब आपको कुछ को कुछ बताने वाले और मैं उसका वेट कर रही हूँ कि मुझको भी बता दे तो मेरी भी जो दिव्य चक्षु है वो खुल जाए तो सो आई थिंक ब्यूटीफुल जर्नी एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर अ ग्रेट सोल ग्रेट साउंड अलिख्या भी बहुत लकी है की अलेख्या मिली है Definitely तो, तो, <laughs> <laughs> तो चलिए मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ थैंक यू अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग मैं अनम्यूट कर दी हूँ जिनको भी नमन से कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग यस प्रतीक्षा हेलो सर सो यू आर सो पोलाइट सो डाउन टू हर्ट आपसे मिलके ऐसा नहीं लग रहा था मतलब कि आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद लाइफ में लेकिन जैसे घर में बैठ के नॉर्मली कजिंस बात करते हैं बाँ बाँ बात करते हैं कबूतर आलू <laughs> हंसते हंसते सिर्फ आपने ही नहीं आपके डैड ने भी हमें इस ऑफ टाइम में बहुत कुछ सिखा दिया जी तो जी. So, मेरा एक क्वेश्चन है, है कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं हमारे स्टडीज में जो बोरिंग होते हैं मतलब सपोज कोई इंटरेस्टिंग पार्ट है तो वो बच्चे को कवर करने के लिए आधा घंटा लगता है और कोई बोरिंग पार्ट है तो सेम चीज उसको कवर करने के लिए थ्री आवर्स लगता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उन चीजों को पढ़ने में तो वैसे बोरिंग चीजों को मतलब जो बच्चे को बोरिंग लग रही है वैसे चीजों के साथ कैसे डील किया जाए तो ऐसा ना लाइफ में कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आपको तो जिस तेरा हफ्ता बाय रोज मैं भूल जाती हूं ओके अब सो प्रतीक्षा ऐसा कई बार ऑप्शन रहते हैं लाइफ में कि जहां आप आंटी आप म्यूट कर सकते हैं क्या हा, हाँ हाँ मैं हाँ मैं, मैं मैं, मैं बंद कर दियो बंद कर दियो मेरे को डिस्ट्रैक्शन वे हां सो थैंक यू तो प्रतीक्षा ऐसा रहता है ना कि लाइफ में एक फैक्ट है कि आपको कभी भी 100% परसेंट एकॉर्डिंग टू यू नहीं मिलेगा अगर आपको 100% परसेंट अकॉर्डिंग टू यू मिल जाए तो लाइफ का जो सार है वो खत्म हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हिटलर को चाहिए था कि वो दुनिया रूल कर ले महात्मा गांधी को चाहिए था पूरी दुनिया फ्री हो जाए और वो दोनों एक ही टाइम पे आए थे हिटलर भी 40-45 के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है महात्मा गांधी भी बहुत ज्यादा विख्यात हुए उसी बीच में अगर दोनों को दोनों की इच्छा मिल जाती तो न्यूट्रल हो जाता वर्ल्ड तो हिटलर को जो चाहिए था यूनिवर्स का जो प्लान था लाइफ की सोल जो प्लान करके आई थी उसको उस हिसाब से मिला सिमिलरली आपकी लाइफ में जो आपकी सोल प्लान है जो आपका अंडरस्टैंडिंग रहा है आपको उसके हिसाब से चीजें मिलेंगी तो उसमें क्या होगा कि एक होता है एटी ट्वेंटी रूल यूजुअली क्या होता है कि कई बार आपको 80 परसेंट आपके मन का मिलता है बीस परसेंट आपको दूसरे के मन का करना होता है फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई पढ़ाई में आपको लेट से मैथ्स का ही एग्जाम्पल लूंगा आपको कैलकुलस अच्छी लगती है आपको मीन्स uh, मीडियम्स अच्छे लगते हैं लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लगती तो मीन्स मीडियम कैलकुलस को पढ़ने में आपको एक घंटा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में आपको एक दिन लगेगा ठीक है आप कैसे उसको डील कर सकते हो दो चीज पहली चीज है एक्सेप्ट कर लो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में एक दिन लगता है और मेरे को कैलकुलस ये पढ़ने में एक घंटा लगता है ठीक है ये आप एक्सेप्ट कर लो कि ये आपकी शॉर्टफॉल है दूसरा आप ये देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस चीज को खत्म करने में ठीक है प्रॉब्लम कब आती है बच्चों के साथ जब वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं और उनको सारी चीजें एक घंटे में कवर करनी है ट्रिग्नोमेट्री में एक दिन लगता है उनके पास एक ही घंटा है तो अगर आप देखोगे तो यूजुअली मार्क्स जो आते हैं वो वन टेंथ ही आते हैं फिर बच्चे के सिमिलरली अगर इसी के इसी के लिए लाइफ को प्लान करना चाहिए ना अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक दिन लग रहा है तो आप पूरा दिन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए निकालो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरे को साइंस में राजा राम मोहन रॉय का चैप्टर पढ़ने एस एस टी में राजा राम मोहन रॉय का चैप्टर पढ़ने में एक दिन लगता है तो मैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ वही चैप्टर पढ़ूंगी और कुछ नहीं पढ़ूंगी आपको एस एस टी में बाकी चीजें पढ़ने में आधा दिन लगता है तो मैं आधे दिन में बाकी चैप्टर्स को निपटा दूंगी बट आपको एक ऐसा गोल रखना होगा कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए सिमिलरली जब आप जॉब में भी जाते हो और आपके पास बहुत सारा काम होता है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ तो मेरा काम का प्रेशर जो है वो उतना ही है जितना ऑफिस में होता है और इतनी डेड है इतने काम है तो कैसे मैं सारी चीजों को मीडियम बना के अपना सारा गोल अचीव कर लूंगा कि पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है ये मेरी वीकनेस है जो मेरी वीकनेस है मैं उसको सबसे पहले उठाऊंगा और उसको एक हफ्ता दूंगा और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो तो मैं एक घंटे में खत्म कर ही दूंगा तो ये चीज देखो जो आपकी वीकनेस है उसको आप सबसे पहले उठाओ उसको जितना टाइम लगता है उसको उतना ही दो अगर आप बोल दोगे कि मैजिकली जैसे एग्जाम्पल था ना पेरेंट्स का कि इस साल वो डेढ़ लाख कमा रहे नेक्स्ट ईयर आप बोलोगे कि तीन लाख कमा के दिखाओ नहीं कमा पाएंगे ना सिमिलरली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में दस घंटे लगते हैं तो कैसे आप वो तीन घंटे में पढ़ लोगे तो ये बहुत एक माइंडफुल एक्टिविटी है कि आपको पता है कि आपकी वीकनेस ये है उसको इतना टाइम लगता है तो आप उस वीकनेस को उतना टाइम तक पढ़ो करो सारा खत्म हो जाएगा फिर आप अपनी स्ट्रेंथ में जाओ और दैट्स हाउ यू टैकल योर चैलेंजेस यू मेक श्योर की आपकी वीकनेस क्या है आप उसको देखो उसको एक्सेप्ट करो और उस वीकनेस के ऊपर yes, awesome. और किसी को पूछना है किसी को कुछ पूछना हो या कुछ शेयर करना हो डॉली यस मैम हाँ बेटा कुछ पूछना है नो no. अच्छा लगा नमन सर का हाँ, गुड गुड थैंक यू चलिए मुझे लग रहा है कोई नहीं पूछना चाह रहा Mir है मेराकुलस थिंकिंग मैंने सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए वेरी <laughs> <laughs> <good, very> <laughs> वेरी गुड बहुत अच्छी बात है बाकी अच्छा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत थैंक यू मैं आप लोग की जर्नी जरूर बैठ के सुनती हूँ चाहे वो माही संभालती है फिर भी मैं आके जरूर बैठ जाती हूँ क्योंकि तुम लोग को देख के मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है Thank you. तो काम कर रहे हैं आप लोग सेंसरी के थ्रू बहुत ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जे. और मैं अब इसके बाद और ऑफिस वगैरह का भी चालू करूंगी जो भी यंग आएंगे तो उनको स्वानुभाव में जोड़ते जाऊंगी तो जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे जितना कॉलेज में पहुंच सकती हूँ आप लोग नहीं पहुंचेंगे ये सब यही के कॉलेज के हैं छत्तीसगढ़ के ही तो मेरे ग्रुप में मैं डालूंगी भी और फिर मैं जुड़ूंगी हाँ माही तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ पूछना पुछ नहीं है नहीं नहीं सबके डाउट नमन ने क्लियर कर दिया यस 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 सर आपने कहा देखिए हेलो हाँ हाँ बोल हेलो हाँ सर आपने सही कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू चलिए चलिए फिर आज डेफिनेटली लोग सोते समय हंसेंगे जरूर <laughs> <laughs> तो पक्का है थैंक यू चलिए चलिए नमन थैंक यू वेरी मच थैंक यू फिर मिलते हैं जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो ताकि हम लोग सब लोग पक्का 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 दिल्ली में हमारा सेंटर है पिरामिड है आप सभी आमंत्रित हैं जब जैसे ही पैंडमिक खत्म होता है जैसे ही आपको ध्यान करने का मन है आप दिल्ली का आपका चक्कर लग रहा है तो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है आप गूगल में सर्च कीजिए या नीता आंटी के पास सबके नंबर है आप हमारा नंबर लीजिए बात कीजिए सेंटर में आके ध्यान करके देखिए और जी और थैंक यू सो मच नीता आंटी इनवाइट करने के लिए और आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस रेलेवेंट और टू द पॉइंट रहा और एंटरटेनमेंट तो होता रहता है बट आई होप फ्रूटफुल भी था और मैं आप सबके लिए यही कामना करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस से अगर आप लोग सीख के कुछ कर पाए या कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो आई थिंक ये मेरा जो आज का हमारा इवेंट है या आज का सेशन आई थिंक वो सक्सेसफुल होगा सो थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू थैंक यू रमन थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू